हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग्स। बट ये चैप्टर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, बिजनेस की सराउंडिंग्स। तो बिजनेस की सराउंडिंग में पांच तरह के एनवायरनमेंट आते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये पांच के पांच फैक्टर, चाहे कोई भी फैक्टर आप देख लें, अगर हम बात करें पॉलिटिकल या सोशल। पॉलिटिकल मींस जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। सोशल मींस जो हम सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्या ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल में है या हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल में है। गवर्नमेंट क्या रूल बनाएगी, आपके कंट्रोल में है नहीं। They are outside the control of the business. Society क्या demand करने वाली है, ये भी आपके control में नहीं होता। These factors या these environment are outside the control of the business, but these have direct impact on performance of business. कह रहे control से बाहर है पर इनका business के ऊपर direct effect होता है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे नोट्स में लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। बिजनेस मींस बीइंग बिजी एंड एनवायरनमेंट मींस पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है या ये जो फैक्टर्स है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, बट दीज अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। और ये अकेले अकेले इफेक्ट नहीं करते, ये टोटल इफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, ओवरऑल इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर मैं अपने बिजनेस का एनवायरनमेंट की बात करूं, ये जो मेरा कोचिंग बिजनेस है, इसका एनवायरनमेंट क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हमें इफेक्ट करती है, यस, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, बहुत इफेक्ट कर। ये सारे फैक्टर हमारे कंट्रोल से बाहर है पर हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अभी आपने सुना था कुछ साल पहले मैगी बैन हो गई थी। मैगी बैन करी गवर्नमेंट ने, क्यों, ये कहते हुए द प्रोडक्ट इज अनसेफ फॉर कंजम्पशन, कि प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं है। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने उसको क्लीन चिट दे दी। अब रीजन कुछ भी रहा, क्लीन चिट मिल गई। अब मैगी ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी और प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। मैगी ने सिर्फ ये नहीं किया कि प्रोडक्ट जो बंद हुआ था उसकी प्रोडक्शन शुरू करके बेचा, नहीं, सिर्फ मैगी ने ऐड किया। क्या ऐड किया, मैगी सेफ थी, सेफ है और सेफ रहेगी। क्यों ऐड किया, क्योंकि मैगी को पता था, नेस्ले को पता था कि अगर सोसाइटी में हमारे लिए गलत मैसेज चला गया तो हमारे प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे। और नेस्ले का मेन प्रोडक्ट ही मैगी है, और आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं, सोचा भी होगा कभी शायद कि ये जो बैन हुआ था इसी वजह से कुछ और ब्रांड्स मार्केट में आ सके, चिंग्स, यप्पी, तभी आए हैं ये सब मार्केट में, वरना मैगी का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। तो यही है बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। समझ आ गई बात, इसकी केस स्टडी आ जाती है, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, सबसे पहला फीचर लिखा है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है उसका टोटल। ये बिजनेस एनवायरनमेंट अकेले अकेले इफेक्ट नहीं करता, दीज अफेक्ट इन टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ फोर्सेस तो स्पेसिफिक होती हैं और कुछ जनरल। जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो सबको इफेक्ट करे, जैसे कि जीएसटी लगा दिया, सबको इफेक्ट करे। कुछ ऐसी होती है जो मुझे इफेक्ट करेंगी सिर्फ, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे तो क्या वो सबको इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ हमें इफेक्ट कर रहा है, तो वो हो गए स्पेसिफिक फोर्सेस। अब जनरल होती हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और स्पेसिफिक होती है हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे सप्लायर, जो सिर्फ हमें ही अफेक्ट करेंगे। समझ आ गया, व्हाट इज जनरल फोर्सेस एंड व्हाट इज स्पेसिफिक फोर्सेस। दो फीचर पढ़े अभी तक हमने, सबसे पहला टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। पॉइंट नंबर थ्री, इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रिलेटेड है।
किससे रिलेटेड है? एक एक्टिविटी का इफेक्ट पूरी बिजनेस एक्टिविटी पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में जो यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, हम सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमारे ड्रेसिंग सेंस बताते हैं, इसी वजह से आप देखना फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव ना करें, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते, वो आज भी धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, आप उन्हें फास्ट फूड खिला के दिखाना, तो देखना आपको भी चार बातें सुनाएंगे। रीजन, हम जैसे ही चेंज होते हैं, एनवायरमेंट को चेंज करते हैं, हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज होती है। यही पॉइंट है, बिजनेस एनवायरमेंट इज इंटर रिलेटेड। जैसे कि आज की डेट में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कुछ लोग, तो वो कौन से प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं? हेल्दी प्रोडक्ट, शुगर फ्री प्रोडक्ट, तो वो जनरली क्या है, इंटर रिलेटेड है, कि बिजनेस एनवायरमेंट इज इंटर रिलेटेड। क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट? पॉइंट नंबर फोर, अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने कल से कह दिया कोचिंग फिजिकली नहीं चलेगी, अनसर्टेन, तो हमें फिर ऑनलाइन पे स्विच करना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, क्या होने वाला है हम उसकी प्रिडिक्शंस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है और हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। जो चेंज नहीं करता दैट विल बी आउट ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, हम सब जानते हैं नोकिया, उसने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। मार्केट में एंड्रॉइड आ रहा है, वो कह रहा है मैं विंडो बेस्ड चलाऊंगा, चलाओ। मार्केट में लोगों ने उसके प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दिए। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझना बेटा, हम मैंने आपको कहा कि बिजनेस एनवायरमेंट में पांच चीजें आ रही है, आपको लगा ठीक है पांच चीजें समझ लेंगे, बिजनेस एनवायरमेंट समझ आ गया, ये कहना आसान है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सारे फैक्टर्स को एक साथ समझना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे पता है कि सरकार कभी भी लॉकडाउन हमारे को फिर से कह सकती है, या कोचिंग के लिए स्कूल्स के लिए बोल सकती है, मैं आपको ना ऑनलाइन साथ साथ लेके चलूंगा जिससे आपकी हैबिट, ये तो मेरी सोच है ना, दिस इज द वन फैक्टर दैट आई एम कंसिडरिंग, अदर फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं। सही बात। मैंने कहा कि मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स पे ध्यान रख रहा हूं, सोसाइटी ने कह दिया हम अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, फिर क्या कर लो, दैट टू यू हैव टू कीप इन माइंड। आपने चलो ठीक है पेरेंट्स को कन्विंस करके रखेंगे, देखो जी बोर्ड है, ये है वो है, उनको भी अपने फेवर में लिया। पॉलिटिकल हो गया, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सर हमारे पास ना अच्छा इंटरनेट नहीं है, नेट खत्म हो जाता है, फोन नहीं है, पापा कह रहे कोई बात नहीं देख लेंगे जैसा होगा। तीसरा फैक्टर, समझ आया जी, तीन को कंट्रोल किया, चलो बेटा कोई बात नहीं, काम करो छोटा सा फोन अरेंज करो, कुछ भी करके आप नेट का छोटा पैक डलवा लें और सिर्फ कोचिंग के टाइम पे इसे यूज करें, वरना नेट को बंद रखें पूरा दिन। तीन मैनेज हुए, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। सर रिचार्ज कैसे होगा, महंगे हो गए रिचार्ज जब से लॉकडाउन लगा है, पैसे कहां से लाएं, चिप्स खा लो। अच्छा सर एक काम करते हैं हम रिचार्ज भी करा लेंगे, सर हम फीस नहीं दे पाएंगे। एक और फैक्टर आया, दैट इज इकोनॉमिकल। सारे फैक्टर को एक साथ हैंडल करना इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, समझ रहे हैं, देयरफॉर बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। लास्ट पॉइंट, बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिव। रिलेटिव मींस ये हर एरिया हर रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि हम बात करें बिजनेस एनवायरमेंट, हमारे एरिया में जो है फिर भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी डिमांड है। फॉर एग्जांपल साड़ीज, साउथ में चले जाए साड़ीज की डिमांड और है, फ्रांस साड़ीज की डिमांड जीरो, वहां वो लोग यूज ही नहीं करते साड़ीज को। तो बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो चेंज होता है एज पर द सिचुएशन, एज पर द लोकेशन, रीजन, एंड इवन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर आप मूव करेंगे बिजनेस एनवायरमेंट चेंजेस। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम, सारे फीचर्स समझ आए आपको? चलो हमने जो फीचर्स पढ़े, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, मीनिंग, फिर उसके बारे में एक छोटी सी केस स्टडी लिखी है, फीचर्स। एक बार फीचर्स याद करते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स पढ़ रहे हैं, आपको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी कि आप सबको इफेक्ट करने वाला एनवायरमेंट, वो आपका एनवायरमेंट है। जो आपको इफेक्ट करता है वो एनवायरमेंट
आपका अपना एनवायरमेंट होता है, दैट इज योर सराउंडिंग, और आपकी सराउंडिंग जो है, आपकी सराउंडिंग जो आपको डिस्टर्ब करती है उसके फीचर क्या है, आपके दोस्त। आप अपने दोस्तों को क्या कहते हैं? अपने दोस्तों को कहते हैं आई रिलेटिव, मैं तेरा रिश्तेदार। बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आई रिलेटिव यू से डीसी, आई रिलेटिव यू से डीसी, आई स्टैंड्स फॉर इंटररिलेटेडनेस, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ई स्टैंड्स फॉर टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वहां से ई पिक किया है, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डायनामिक कॉम्प्लेक्स। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर हैं। इंटररिलेटेडनेस, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डायनामिक और कॉम्प्लेक्स। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।